फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बटन एंड फैब्रिक को यूज करके इयररिंग्स बनाने वाली हूँ। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। ये पहला टाइप का है फैब्रिक बटन स्टड वाला। इसके लिए हमें चाहिए राउंड नोज प्लायर, चेन नोज प्लायर, नीडल और थ्रेड, सीजर, ग्लू। ये है फैब्रिक। मैं पिंक कलर का फैब्रिक लिया हूँ। और ये जो है हमारा साड़ी में रैप होके आता है, ये स्पॉन्ज का एक सीट है, मैं उसी को यूज करने वाली हूँ। और ये मेरे पास बटन वेस्टेड पड़ा थे तो उसी को मैं यूज करूंगी। और ये है फ्लैट स्टड्स, ये मैंने अमेजन से खरीदा है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है तो आप इजीली एफोर्ड कर सकते हैं। और ये जो फैब्रिक यूज करने से पहले मैं इसको आयरन कर रही हूँ, जो रिंकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाएगा इससे। अभी मैं बटन को लेके एक मार्क कर रही हूँ बटन साइज का, ठीक है। देखिए ये बटन साइज का मार्क है। अब हम इसमें 1 cm के बिगर एक सर्कल बनाएंगे और कट करेंगे। हमें वैसे 2 बिग सर्कल चाहिए और 2 स्मॉल जो बटन साइज के हैं वो चाहिए। अब स्पॉन्ज से जो सीट है वो स्पॉन्ज सीट पे भी हमने 2 ऐसे सर्कल्स कट कर लेते हैं। अब देखिए 2 स्पॉन्ज के सर्कल्स हो गए और हमारे पास छोटे और बड़े फैब्रिक के सर्कल्स हो गए। अब हमें इस तरह से अरेंज करनी है और बटन्स को ऐसे रखनी है, जो फ्लैट वाला पोर्शन होता है ना वो बाहर की तरफ रहेगा, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है बटन का वो इनसाइड रहेगा, यानी कि उसको ढक के रखेंगे स्पॉन्ज के साथ। अब हमने थ्रेड ले लिए हैं, नीडल से लगा लिए हैं, अब इसको स्टिच करेंगे। जी हाँ, स्टिच कैसे करेंगे, ये जो साइड का पेरीमीटर होता है ना सर्कल का, उसके साथ साथ आपको ऐसे टाका जैसे देना है, आउटसाइड इनसाइड करके लेंगे और उसको टाइटली हम क्या करेंगे, स्ट्रेच आउट कर देंगे थ्रेड को, तो ये आपका बटन का जो शेप है वो शेप ले लेगा और ये हमें बटन को कवर भी कर देगा। फिर हम इसको लॉक कर देंगे पीछे की तरफ, ताकि सामने वाला जो पार्ट है वो ब्यूटीफुल सा स्टड दिखाई देगा। आपको बैक साइड में वो स्टिच करके हम इसको लॉक कर देंगे। जब लॉक करना है 2-3 बार इस तरह से आप इसको करके फिर स्ट्रेच आउट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा अपने आप। अब मैं इसको ग्लू से स्टिक अप कर रही हूँ। आप चाहे फेविक्विक लीजिए जो आसानी से स्टिक हो जाता है, थोड़ा सा एयर ड्राई के लिए हम छोड़ देंगे इसको, ये स्टिक हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा थ्रेड का पार्ट था वो हमने निकाल दिया है। अब ये जो छोटा वाला हमने सर्कल कट किया था जो बटन साइज का है, आप इसको कवर कर देंगे ताकि वो बैक साइड का जो पोर्शन भी है वो ना दिखाई दे। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं साइज के अकॉर्डिंग इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देती हूँ ताकि ये बड़ा ना दिखाई दे और बहुत ही सुंदर सा स्टड बन जाए मेरी। देखिए ये मैंने ग्लू से चिपका दिया है पीछे वाला पार्ट, कितना सुंदर दिख रहा है, प्यारा सा कलर भी है पिंक कलर। जनरली सभी क्या कहते हैं गर्ल्स की फेवरेट कलर होता है। यह हमारा इजीली होममेड हमारा जो ड्रेस के साथ मैचिंग स्टड बन गया है। जहाँ सिंपल सी सोबर सी लुक देना हो तो आराम से इसको पहन के जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट भी है, तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर हम मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर 4 स्क्वायर टाइप के कपड़े लिए हैं और ब्यूटीफुल फ्लावर का कपड़ा लिया है, फैब्रिक लिया है। इसमें मैं साइज इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ, जो मेरा बटन का साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है।
और ये देखिए मैंने दो साइड के इयररिंग्स के लिए सेम जैसे फैब्रिक्स का फ्लावर सेट ले रखा है, बाकी बैक का भी ऐसा ही लिया हुआ है। अब हम मिडिल में बटन को प्लेस करेंगे और चारों तरफ 1 cm की दूरी में फेविक्विक लगाएंगे। अब जो दूसरा पार्ट है क्लॉथ का, उसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, यानी कि जो जहां पे ग्लू लगाए वहां पे चिपका देना है। थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक भी जाए। देखिए ये ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं एक किसी भी साइज का आप कैप लेके उसके ऊपर एक मार्क कर देंगे सर्कल का। फिर हम इस सेम सर्कल साइज की कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा दोनों कट होके बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ लंप रिंग्स लगाएंगे। तो लंप रिंग्स लगाने के लिए हमें एक होल चाहिए, तो हम नीडल से यहाँ पे एक छोटा सा होल देंगे। अब यहाँ पे हम लंप रिंग्स इंसर्ट करेंगे। और इसके अंदर जो इयररिंग का हुक है वो भी इंसर्ट कर देंगे लंप रिंग्स के अंदर, और इसको हम क्लोज कर देंगे यानी कि लॉक कर देंगे। देखिए अब लॉक हो चुका है और मेरा एक पार्ट तो बन चुका है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। आप इस तरह की फैब्रिक का अगर कोई ड्रेस है तो उसके साथ इसको आप मैच करके पहन सकते हैं। देखिए ये मेरा दोनों बन चुके हैं, दो पैर मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।